आपको लगेगा कि ये एंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। माइक क्लोजेट में छिपा है, लेकिन अचानक से क्या, वो क्या था? क्लोजेट ने उसे अंदर खींच लिया। बिल्कुल नहीं। देखो कार था ना, मैं तुम्हें डरा दूंगा। तुम मेरी जितनी बहादुर नहीं हो, कोई भी नहीं है। ओ नहीं, कोई तो झाड़ियों के पीछे है। इस बारे में बात कर रही हूँ। सामी, हमें नई प्लेबुक मिली है, चलो इसे चेक करें। तुमने मुझे डरा दिया, किसी को बताना मत, ठीक है? डरावनी बान बान किंडरगार्टन में स्वागत है। मैं गया और मैं तैयार हूँ, चलो खेलें और सुपर प्राइज जीतें। ठीक है, देखो हमें अपने गार्डन की सभी लेवल्स को पास करने में मदद करनी चाहिए। मैं कर रहा हूँ, पहले चलो की कार्ड इकट्ठे करते। मिल लिया, ये वाला अगला है, करते रहो सेव। और आखिरी वाला, एक दबाए, दो दबाए। आहा, ये रहा बोनस कार्ड। मुझे लगा ये मेरा बोनस था। ओह, तुम बिल्कुल भी डरावने नहीं हो। और मैं दूसरे का गार्ड लेने वाली हूँ। मैं तुम्हें देख लूँगा। ओह मेरे भगवान, मदद करो, मुझे इस डरावनी चीज से बचाओ। ये सिर्फ एक असली मॉन्स्टर ही इस लेवल को पास कर सकता है। चलो ऐसा दिखाते हैं कि हम इनमें से ही एक हैं और देखते हैं क्या किसी का डीएनए मिलता है या नहीं। इस बार नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मॉन्स्टर के क्लासरूम में सबसे स्मार्ट कौन है? बिल्कुल मैं हूँ, क्या मैंने ऑडिशन पास कर लिया? चलो तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, यहाँ बैठो। पहला एग्जाम्पल कौन सॉल्व करेगा? अपना कोई भी हाथ उठाओ। हमें पहला जवाब मिल गया, बिंगो। अब ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। एक बार फिर हमारे एक्टिव स्टूडेंट्स का जवाब सही है। नंबर्स बहुत आसान होते हैं, ये देखो। समय खत्म हुआ। मुझे पता है, मेरी इंस्पिरेशन मेरी लाइफ है। ठीक है, हम अब अगले लेवल पर हैं। ये, हम सभी ओबेला वर्ड्स को पकड़ कर रहेंगे। हे, साथ में खेलो, चलो मेरी मदद करो। दरवाजे के पीछे कौन छिप रहा है? तो ये कौन है, इसमें कौन है, चलो जल्दी से दिखाओ। ये बड़ी सी ओपेला मॉमी है। अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ो। हे, दूर हटो, मैं यहाँ सबसे ज्यादा डरावना हूँ। मेरे ख्याल से कुछ हो रहा है। क्या स्लाइम्स भी अंडे देते हैं? हाँ, यहाँ जल्दी एक नया स्लाइम होगा, बस इंतजार करो। ठीक है, यहाँ आओ छोटे बर्ड। अब मम्मी खुश हो जाएंगी, सभी ओपेला चिक इस कोजी नेस्ट में आ जाएंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। सामी, सब चिपचिपा हो गया है, मुझे खुद को साफ करने के लिए ब्रेक चाहिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपना पूरा टाइम लो सूजी, जब तक मैं खेल लेता हूँ। मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तुम गलत फील्ड पर खड़े हो सामी। तो क्या, मेरे पास एक और चांस है, मुझे फेल मत करना, समझे? मुझे देखने दो, बधाई हो, तुम जीत गए, चलो आगे बढ़ते हैं। ये गेम तुम्हारी एम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। मैं इसके माहिर हूँ, रास्ता बनाओ सूजी, सीधा निशाने पर। ये भूल भुलैया फिर मेरे लिए। चलो कोशिश करते हैं कि ब्लैक बेस पर ना गिरे। वी, हम जीत गए, अगला लेवल इंतजार कर रहा है। क्या हम यहाँ नहीं रह सकते? मैंने अभी सीखना शुरू किया है। क्यों ना तुम ये हाइड एंड सीक गेम चेक करो। सच में, नक नक, तुम जो भी हो बाहर आओ। नहीं नहीं, अच्छा होगा तुम वापस अंदर आ जाओ प्लीज। ठीक है, ग्रीन दरवाजा अच्छा लग रहा है। ये कौन है? ट्यूटेंट मोटो। हाय, ये ग्रीन नहीं है, ये डरावना रूम है। नहीं, मैं यहाँ नहीं जा रहा। क्या, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? आखिरकार निकलने का रास्ता मिला, सूजी मेरे साथ आओ। बहुत अच्छे सामी। ये बोर्डिंग गेम है, ये राउंड मेरे लिए है। ओ, क्या मेरा पीछा किया जा रहा है?
फिर मैं लगभग फिनिश लाइन पर पहुंच गई हूँ। मॉन्स्टर पास आ रहा है। उप्स, बाय बाय मॉन्स्टर। फिर बाल बाल बची। तो फिर गार्डियन जीता। हमारे हीरो के लिए चीयर्स। ओह, ये उसकी ट्रॉफी है। ये डरावना मॉन्स्टर एक क्यूट सा स्क्विश बन गया है। बढ़िया। मैं इस मिस्टीरियस टेबल का सीक्रेट बाहर लाऊंगा। वुहू! मत करो। क्या तुम्हें पिक्चर्स मिल गए? तुमने मूड खराब कर दिया। ये मेरा खतरनाक प्लान था। कहाँ है? Hey, मुझे वापस रखो, मेरा अभी हुआ नहीं है। क्या नहीं हुआ? पिक्चर्स का काटना देखो। ठीक है, तो फिर मैं फाइनल डिजाइन करती हूँ। क्या तुम उनके कार्ड्स को दोबारा लेकर चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो? सामी, सामी। तुम देखना, क्लाइंट हार नहीं मानते। अब ये कुछ नया है। बस इन पीसेस को लो, मिस स्मार्टी पैन। ओह, ग्रेट बैन बैन, इन पीसेस को उनके जगह पर रख दो। हे बैन बैन, मेरी भी मदद करो। सामी, तुम फिर से पीसेस का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन दूसरी तरह करने में मजा नहीं है। रुको, अब तुम फंस गए हो। देखा, इस तरह कोई मजा नहीं आया। हे टीवी डावा, हमने सब सही कर लिया। ओह बढ़िया, तुम और मैं एक ही प्लेबुक पेज पर है। चलो भी, मैं एक मैजिक ट्रिक ट्राई करना चाहता हूँ। सभी पार्ट्स को यहाँ फेंको। ठीक है, मैं देखने का इंतजार नहीं कर सकती कि तुमने क्या सोचा है। ठीक है, पीबीडी, पॉबीडी, स्लाइडी, सब्सक्रिबीडी, स्लाइडी, इंफिनिटी। ठीक है, हो गया। और हमें क्या मिला? चलो इसे खोलते हैं। हेलो। क्या मैं आप जा सकती हूँ? चलो फिर से कोशिश करते हैं। मैजिक कॉल्ड्रॉन प्लेबुक को कर सकता है। ये काम कर गया। वाह, ये पेज का डिजाइन तो बहुत कमाल का है। कॉल्ड्रॉन मैजिक को रिचार्ज करने की जरूरत है, तो डरना मत। हे मॉन्स्टर, जल्दी करो और हमारे सैम से छिप जाओ। ओह हाँ। हे, मुझे ऐसा नहीं लगता। ओह हाय, चलो दोस्त बन जाते हैं। अगला क्लासरूम है। ची ची, एक $7 पीस। टीचर को पता नहीं चलेगा। ओह, मैं बहुत चालाक हूँ। और ये रहा व्हाइट बोर्ड। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, ये देखो। सेव प्लस रोज। ओह सामी, बातें बनाना बंद करो। ठीक है, क्या मैं कम से कम मॉन्स्टर्स का निकनेम रख सकता हूँ? हो गया। बहुत बढ़िया सैम। मैं बहुत बिजी हूँ, अब मुझे उपिला को लालच देना पड़ेगा। बडीज को अच्छा खाना पसंद है, मेरी तरह। कूल, ये लो, नन्ही बच्ची। यम यम यम। तुम्हारी तरह नहीं, मैं नेचुरल स्नेल विस्पर्स हूँ। हे भगवान, मुझे शुरू से हर चीज कार से लानी चाहिए थी। कूल, डिलीवरी टाइम पर आ गई है। क्या आपको स्पीड कंस्ट्रक्शन चाहिए? मैं वो कर सकता हूँ। मुझे चेक करने दो। वाह, क्या क्वालिटी है। ओह, और ये सैम का पसंदीदा लेवल है। हो गया, क्या तुम यहाँ भी मेरी मदद कर सकते हो? मैं किसी भी समय किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ, और कैसे भी। सब हो गया। लगभग। ठीक है, पता है क्या, मैंने ये जानबूझकर किया था। अगर तुम कहते हो तो। तो क्यों ना एक और राउंड हो जाए।
बिल्कुल, सिर्फ एक छोटी सी चीज बाकी है, विनर के लिए सुपर प्राइज। तुम्हें इसे वापस लाने के लिए मुझे इसे जीतना होगा। सामी, तुम बांध बांध के दुनिया में जाने के लिए तैयार हो? मुझे पता है ये तुम हो और ये मेरा मास्क है, इसे वापस लाओ। चलो मदद करो। सिव के हुए 2 पॉइंट और साम के 0। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। बिल्कुल वापस आओ और मैं आपके साथ क्रिकेट करूंगा। ये मेरे पसंदीदा गेम खेलने के लिए एकदम बढ़िया दिन है। कोई मुझे टेक्स्ट भेज रहा है। तो ये कौन है सामी? रोज फिल्मों में मजे कर रहा है, हर कोई मुझे टेक्स्ट क्यों भेज रहा है? ओह हाय ग्रैंडमा स्लाइम, सामी अभी थोड़ा बिजी है। मुझे कोई अकेला क्यों नहीं छोड़ता? चलो सभी गैजेट को बंद करें और एक अच्छी पुरानी प्लेबुक के साथ मजे करें। ये वॉन है, ये कुछ कुछ टॉकिंग टॉम जैसा दिखता है। तुम्हारा वॉन गंदा है, मेरा टॉम बेहतर है। हम उसे ठीक कर सकते हैं, चलो अब इसे साफ करें। लेकिन पहले हमें दूसरे कमरे में जाना होगा, मेरा मतलब है बाथरूम। ये बहुत आसान है, चलो तुम्हें फ्रेश और साफ करें। दरअसल ज्यादातर कैट पानी से नफरत करती हैं, लेकिन मैंने सुना है उनमें से कुछ को जूस अच्छा लगता है। उन्हें जूस में स्विम करना पसंद है, ये अजीब है। तुम इस तरह कभी साफ नहीं हो पाओगे। टीवी डाबों में मेरी कैट एप्पल जूस सबसे ज्यादा पसंद करती है। यक, क्या फल है? तुमने जूस कहा और हमारे वॉन को सच में भूख लग गई। चलो देखें हम उसे लंच में क्या खिलाएंगे। तुम उसे खिला सकती हो, पकड़ो। ओह यक, ये क्या है? मैं तो बस मजाक कर रहा था, बेहतर होगा उसे एक कैंडी दे दें। नहीं, मैं इसे अपने लिए बचा कर रखूंगी। वॉन के पास पहले से ही वो सब कुछ है जो उसे चाहिए। उनका पेट भर चुका है और वो खुशी से हमारी ओर हाथ हिला रहा है। लेकिन अच्छे खाने के बाद एक नैप लेना बढ़िया है, लेकिन हमें खाना खरीदने के लिए खेलकर पैसे कमाने पड़ेंगे। मुझे स्पेस में गए काफी समय हो गया है, फिर लॉन्च करें। हम कॉमेट्स के चारों ओर ध्यान से घूमेंगे ऐसे, और हमने कर दिखाया। मुझे 100 सिक्के मिले हैं। अब मेरी बारी है सेव। मैं कुछ ही समय में सभी ट्यूबों को पास कर लूंगा। फ्लैश सैम को रोका नहीं जा सकता। और ये रहे मेरे 100 सिक्के। चलो फिर से खेलें। ओह कुछ गलत हो गया। मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगा, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सेव अब तुम करो। वॉन को थोड़ा सोना चाहिए और वो ठीक हो जाएगा। वॉन को हेल्थ इंजेक्शन चाहिए। कोई बात नहीं सामी, हम यहाँ से कुछ ले लेंगे ऐसे। ये और भी पत्थर हो गया है। चलो प्लेबुक को अलग करें और देखिए। सामी रुको, मैं अभी भी इसे अपने आप ठीक कर सकती हूँ। ये देखो वॉन मेरे लिए कर रहा है। वॉन को सोने दो और मैं इसका पता लगा लूंगी। हमारे पास बस एक ही चीज बची है और एक और। बातों में मत आओ सेव, ध्यान से। होली कनोली, सरा इन विंग्स को देखो, वॉन अब बहुत हेल्दी है। अब हम एक साथ उड़ सकते हैं। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मैं यहाँ हूँ, क्या तुम ठीक हो सामी? ग्रैंडमा स्लाइम, मुझे नहीं पता था आप आ रहे हो। मुझे सामी की चिंता हो रही थी। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज हमारे यहाँ 3 क्राफ्ट मास्टर्स हैं। साम के ग्रैंडमा ने भी हमारे साथ आने का सोचा।
सिर्फ हमारा सुपर शामी अपने दम पर सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी ग्रैंडमा हमेशा उसे खिलाने की कोशिश करती है। ग्रैनी, मुझे भूख नहीं है। एक और चम्मच हनी। जब तक ये मजे कर रहे हैं मैं काम कर लेती हूँ। मैं हमारे दोस्त वॉन को एक ही बार में पेंट कर दूंगी और मैं कुछ ही समय में शेड्स कर सकता हूँ। हे तुम, बस इतना ही नहीं। ग्रैंडमा मुझे किसी तरह खाना खिलाने में कामयाब रही। सामी, तुम्हें आराम की जरूरत है और मैं तुम्हारे लिए ये क्राफ्ट बना दूंगी। कहीं मत जाओ, मैं अभी वापस आई। ये बहुत अच्छा है कि तुम्हारी ग्रैंडमा यहाँ है। हम इसी तरह बहुत जल्द काम पूरा कर लेंगे। मुझे पक्का नहीं पता। हे किटी, तुम्हारा साइज क्या है? मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े बनाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। वॉन को किसी स्वेटर की जरूरत नहीं है। ये भयानक है, कितना गंदा है। मुझे अब सब कुछ साफ करना होगा। ग्रैंडमा, इन्हें मत छू, ये जरूरी पीसेस हैं। ये कैसा बर्ताव है? अब मुझे जाने दो। सामी, आज हमारा क्राफ्ट गार्डन है। और वॉन के खाने के लिए फ्रिज तैयार है। क्या तुमने खाना कहा? मैं सबको खाना खिला सकती हूँ। मैं किसी स्वादिष्ट चीज के लिए मना नहीं करूँगी। इसे वापस दो, किटी को पहले खाना चाहिए। और मुझे अभी भी हमारी प्लेबुक के लिए कई छोटे टुकड़े तैयार करने हैं। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे लगता है मुझे एक पावर नैप लेनी चाहिए। तुम दोनों आराम कर सकते हो, मेरे पास पहले से ही एक प्लान है। शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ बहुत अच्छा कर रही हूँ। हॉप, बढ़िया। मैं भी खाली नहीं बैठूंगा। सब कुछ हो गया। जब ग्रैंडमा सो रही है तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। मेरी ग्रैंडमा नहीं देखी तो हम मजे भी कर सकते हैं। सामी, नहीं तो तुम उन्हें जगा दोगे जो कोई भी नहीं चाहता। क्यों था आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। खुद देखो। मैं समझ गई, लेकिन फिर भी बेहतर होगा कि हम इसे नीचे ही रखें। ये ठीक है। क्या तुम बीमार हो? तुम्हें थोड़ा दूध और शहद चाहिए। मैं बीमार नहीं हूँ। जब तक हमारी स्लाइम फैमिली मजे कर रही है मैं बाथरूम पर काम करती हूँ। चलो थोड़ा सोप डालें। काश मैं ढेर सारा शैम्पू लगा पाती। ग्रैंडमा प्लीज, बहुत गर्मी है, क्या मैं साफ उतार सकता हूँ? अपनी ग्रैनी से बहस मत करो सामी, बेहतर होगा तुम किचन देखो। मैंने तुम्हारे लिए शानदार छोटी हैट बनाई है। मुझे बचाओ। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं ग्रैंडमा? मुझे इन पीसेस को जोड़ना होगा। मैं इसे इतनी जोर से दबाऊंगी कि ये हमेशा के लिए चिपक जाएगा। जब आप दोनों बातें कर रही थी मैंने बहुत मेहनत की। मैंने भी कुछ काम आने वाली चीजें बनाई हैं। मुझे इसे कितनी देर तक दबाना होगा सूजी? ओह, बस थोड़ा और, हम बहुत जल्द खत्म कर लेंगे। वो धमाकेदार आवाज कैसी है? मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास पीस बनाया है। मैं आपके टैलेंट और स्किल्स से खुश हूँ ग्रैंडमा। अब सब कुछ हमारी नई शानदार प्लेबुक के अंदर डालें। ओह, मुझे इंतजार नहीं हो रहा। हेलो, हाँ मैं रास्ते में हूँ, जल्द ही मिलेंगे। ग्रैंडमा, आप किसी बात कर रहे हो? मैं मालदीव में स्लाइम ग्रैनी के साथ एक जरूरी मीटिंग पर जा रही हूँ। बाय बाय। आपके ट्रिप सेफ हो और अपनी छुट्टियों के मजे लेना। अब यहाँ से मैं ही एक क्राफ्टर स्लाइम हूँ और प्लेबुक पूरी मेरी है। याद आ रही है, वो बहुत मजेदार थी। सामी, देखो हमें डिलीवरी मिली है। ओह वाह, ये तुम्हारी ग्रैंडमा ने भेजी है मेरी स्लाइमी ग्रैंडसन के लिए। सच में? क्या
कुछ और भी है? उन्होंने तुम्हें एक प्यारी सी स्लाइम हैट भी भेजी है। मुझे उम्मीद है उन्होंने ये खुद बुनी होगी। अब मेरे पास अपनी प्लेबुक के साथ मजे करने के लिए परफेक्ट आउटफिट है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी क्राफ्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, फिर मिलेंगे। मुझे अपने लिए कभी वक्त नहीं मिलता। ये कितना आरामदायक है। सैम, क्या तुम टीवी पर हो? तुम्हें तो पता ही है मैं ग्लोबल स्टार हूँ। तुमने देखा है ना मेरे कितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं? मुझे जाने दो। ठीक है, पर तुमने क्या पहना है? ये मजेदार शो स्किबिडी टॉयलेट का कैरेक्टर है, मुझे वो बहुत पसंद है। सच कहूँ तो सैमी, तुम्हें उसका पार्ट बनने के लिए अपने सर पर टीवी पहनने की जरूरत नहीं है। सच में? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। ये हम क्या कर रहे हैं सियो? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आराम से सैमी, सब्र का फल मीठा होता है। तुम्हें लगता है मैं सब्र करने वाला हूँ? केस को खोलो। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, मैंने इसे एक खास मौके के लिए बचा रखा था और ये सही वक्त है। ये मजेदार है, ऐसा लगता है मेरा सपना सच हो गया। क्या हम अभी से पास से देखें? हाँ बिल्कुल, चलो देखें। चलो भी इसे खोलो। ठीक है, ये लो। ओह, मेरे पास एक आइडिया है, चलो इसे और दिलचस्प बनाते हैं। देखो सामी, ये एक डांस बैटल है। उम्मीद है तुम तैयार हो। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ सियो, चलो शुरू करें। ओह, मैं इस तरह और भी बढ़िया दिख रहा हूँ। और ये रही सबसे पहली रूटीन, चलो शुरू करें। ओह हाँ, ये देखो। प्लीज सुजन, मैंने 4 साल मॉडर्न डांस सीखा है, इसे ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या ख्याल है? मुझे मूव पसंद है। हाँ, अब ये देखो। हे, दुखी मत हो दोस्त। और विनर तुम हो। ओ, चलो भी, तुम फिर से मैच कर सकते हो। बधाई हो। वो ये तो बहुत खास फिगर है, बहुत बढ़िया है। इसे यहाँ लगाना है। क्या हम दूसरा फिगर ढूंढे? पूछने की बात है सियो, इसे एक दोस्त की जरूरत है, चलो चलें। जैसा तुम कहो। वाह, क्या ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है या फिर हर पेज बेहतर होता जा रहा है? ये देखो सियो, ये देखो। हे सैमी, और इसका क्या ख्याल है? तुम्हें क्या लगता है ये क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो गई। अब इस ट्रिक को देखो। बस इतना ही नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी कुछ है। ये देखो। मुझे ये गेम पता है, मैंने इसे पहले देखा है। लगता है हमें हैमर की जरूरत पड़ेगी। बाम बाम बाम, ये मजेदार है। वो ये नई हो गई। चलो देखते हैं कि क्या हमने कर दिया। वाह, मुझे अच्छा लग रहा है, ये एक अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है। और ये देखो। हे दोस्त सैमी, लगता है ये हमारा नया दोस्त है। तुम्हें अपनी जगह पर होना चाहिए। अब तीसरा कैरेक्टर ढूंढते हैं।
बहुत बढ़िया सामी, 5 पॉइंट्स, 1 लकी 5। ठीक है, अब मेरी बारी है। वो 6 आए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बुरा नहीं है, और मैं अभी भी जीत सकता हूँ। और ये आखिरी। और तुम जीत गए। मैं शानदार हूँ, मुझे कोई नहीं जीत सकता। एक बुरे विनर जैसा भी कुछ होता है सामी। खैर ये क्या है, चलो देखते हैं। लगता है ये प्राइज है सामी। मैं इस अवार्ड के लिए आप सबको शुक्रिया कहना चाहूँगा, और मेरे मॉम डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ कुछ और भी है, मैं इनका क्या करूँ? इन्हें कार्ड में रखूँ सेम? बिल्कुल यहाँ, समझी? ठीक है, वाह। आहा, पकड़ लिया। हमें अगली फिगर मिल गई, बढ़िया। स्वागत है तीसवे दोस्त। मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं नहीं चाहता ये कभी खत्म हो। ये इस गेम में बहुत सारे टॉयलेट्स हैं। ओह देखो, लगता है इसकी मुंह में कुछ है। मुझे यकीन नहीं होता मैं ऐसा कर रही हूँ, पर सैमी के लिए करना पड़ेगा। शायद अब दूसरे ट्रिक का वक्त है। एव, यक। बड़ी ताकतों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियाँ। जो भी हो, तैयार हो, निशाना लगाओ, फायर। तुमने कर दिखाया। हाँ, अच्छा निशाना था, मैं कमाल का हूँ। रुको, वो क्या है? क्या वो मिल गया? हाँ बिल्कुल, तुमने ढूंढ लिया सामी। अब आखिरी बचा है। वो वाह, मुझे ये गेम बहुत पसंद है, मारियो मेरा बेस्टी है। और वो आ गया। ओह, वो एक टॉयलेट प्लंजर है। ओह ओह, हम जीत गए सियो, हमें आखिरी फिगर भी मिल गई। बढ़िया, चलो इन्हें बाकियों के साथ रख देते हैं। वाह, आखिरकार हमने कर दिखाया, हमने गेम पूरी कर ली। और ये रिवॉर्ड है। इन्हें खोलो। ठीक है, इसे खोलते हैं। ये एक सैड क्लाउड है। अमेजिंग। शुक्रिया, चलो इसे वापस रख देते हैं। ओह, इसमें एक टूटा हुआ दिल है। मुझे इसे ठीक करना आता है। तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हो। तुमने कमाल कर दिया, एक और ऑपरेशन कामयाब हुआ। पर हमारे पास एक और पेशेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं। ओह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, यह अजीब होता जा रहा है। मुझे पता था ऐसा होगा, मुझे अपने ग्लव्स चाहिए। रो मत बेबी, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। मुझे पता है क्या करना है। लगता है हम तैयार हैं। क्या तुम तैयार हो नर्स सिल? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। डॉक्टर सैम, मैं इसे स्क्वीज करूँगी। ओप्स, चिंता मत करो, मैं समझ गया। हाँ, तुम्हें पता है ये मजेदार था। मुझे लगता है मैं एक असली नर्स बन सकती हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि सारे गेम्स खत्म हो गए? हमने कर दिखाया। तो अब क्या? अब सबसे दिलचस्प पार्ट की बारी है। आखिरकार हम डांसिंग गेम शुरू करेंगे। मदद करना चाहोगे सामी? तो
तो मुझे जानती हो, मैं क्रिएटिव स्लाइम हूँ जो अपना कमाल दिखाना चाहता है। रुको जरा, तुम हमेशा कहती हो कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। बिल्कुल, पर मुझे क्या करना चाहिए? मैं दिखाती हूँ, ये लो, तुम्हें ड्रॉ करना होगा। क्या ड्रॉ करना होगा? हमारे कैरेक्टर्स। समझ गया, हो गया। ये अच्छा नहीं बना, पर मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। हो गया, अब हमें इन्हें कट करना होगा। इसे मुझ पर छोड़ दो सीओ, अभी वापस आता हूँ। तो मैं कलर करती हूँ। ये कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, और मेरा काम भी खत्म होने वाला है। पर थ्रेड्स कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। अच्छी कोशिश थी सैमी। बस मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सर पर हवा कैसे लगती है। अब हम इन्हें बुक में डाल देते हैं। वाह, और एक और, मुझे पसंद आया कि ये ऐसे बना है। अब अगली गेम का वक्त है। ओह, ये बस खत्म हो गया। बढ़िया, हमें बस हेड की जरूरत है। अब मैं हमारी मैजिक पिक्चर के लिए फ्रेम बनाती हूँ। मैंने कल दिखाया सीओ, और मुझसे पूछो तो बढ़िया लग रहा है। हे, तुम क्या चाहती हो? वापस दो। ओके। अब मैं हमारी मैजिक पिक्चर के लिए फ्रेम बनाती हूँ। पिक्चर भी पूरी बन गई है, मुझे लगता है तुम्हें ये अच्छी लगेगी। वाह, मुझे तुम्हारी स्किल्स पर हमेशा यकीन था। अब देखते हैं ये काम करती है या नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसे देखो, ये मैजिक ट्रिक जैसा लग रहा है, पर हमें करना होगा। हाँ, हमें स्लाइडर्स बनाने होंगे। अब थोड़ी मुश्किल हो रही है। काश ऐसा ना हो, बेहतर होगा अगर तुम यहाँ मेरी मदद करो। आराम से सीओ, मुझे एक सेकंड दो। ये लो, तुम ले सकती हो। सामी, पर ये तुमने सही नहीं बनाया, या फिर ये तुम्हारा कोई मजाक है? अच्छा है, मैंने इसे जल्द ही ठीक कर लिया। मैंने शायद फोल्ड गलत किया था, पर ये गलती अच्छी थी। और स्लाइडर गेम पूरी हो चुकी है, बहुत खूब सीओ। मैं इसमें माहिर हो रही हूँ। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हमें बस बुक पर डिटेल्स लगानी होगी और ये बन जाएगा। इससे मैं निपटता हूँ। इस पर किसी को शक नहीं था। और प्लंजर को मत भूलना। कुछ आखिरी टचेस, बढ़िया, ये बनकर तैयार है। सामी, हमने प्लेबुक बना दी। तुम एक चीज भूल रही हो सीओ, लव हार्ट। ओह, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? ये रहा एक और। तुमने बहुत सारे हार्ट्स बनाए हैं। नहीं नहीं, तुम समझी नहीं, ये तुम्हारे लिए है सीओ। ओह सामी, ये बहुत क्यूट है, ये मुझे अच्छा लगा। खुशी खुशी रहने लगी। The end. दोबारा? ये कितना बोरिंग है। क्या तुम मुझे इस बुक में से कोई स्टोरी सुना सकती हो? बिल्कुल, सुनाती हूँ। और सीओ, मुझे कैटापुल्ट मिल गया। यक, सैम, यहाँ से जाओ। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ चिल्ड्रन। रुक जाओ, नहीं, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। मुझे ये प्ले बुक बहुत पसंद है, अगली वीडियो के साथ जुड़े हैं। Old MacDonald's had the farm, E-I-E-I-O. तुमने अपना फार्म दिया स्लिक लाइन फार्म को, E-I-E-I-O. होली कनोली, मैं तो नाश्ता करना भूल ही गया। हेलो मेरी दोस्त, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा ताज़ा दूध और एक फ्रेश एग ऑमलेट से बेहतर और क्या हो सकता है? और मैं एक एप्पल पाई बनाऊंगी। क्या, ये किसने किया? मैं ठीक हूँ। मुझे मत छुओ। माफ करना सामी, ये तो बस एक मजाक था। ये लो। ब्रेकफास्ट से पहले तुम्हें क्या हो गया है? मैं अपनी नई प्लेबुक से खेलने का और इंतजार नहीं कर सकती, चलो खेलते हैं। खाना या प्लेबुक या खाना? रुको। हाय दोस्तों, क्या आप एडवेंचरर अमांडा और बूली के साथ मस्ती करने के लिए तैयार हैं? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। अरे सामी, हमें बस वीडियो टेप चुननी है। यहाँ तो बहुत सारी है।
हमें पहले खा लेना चाहिए था। तो फिर किचन की तरफ। हाय, मैं अमांडा हूँ और मैं वूली हूँ। आज हम एक एप्पल पाई बनाने वाले हैं। मुझे लगा वूली का कैरेक्टर मैं निभाऊंगा और तुम अमांडा का। और मुझे एक बेहतर आइडिया आया। वो, ये तो शानदार है। हमें पाई बनाने के लिए सबसे पहले एप्पल्स को काटना होगा। वो कहाँ हो सकते हैं? शायद फ्रिज में। अरे हमें इसकी भी जरूरत है। चलो यहाँ देखते हैं। बटर मैं इसे ले रही हूँ, पर एप्पल्स कहाँ है? सिंक के नीचे वाले कैबिनेट में देखो अमांडा। ठीक है, बिंगो, ये रहे सबसे स्वादिष्ट एप्पल्स। हम यहाँ शुगर रखते हैं। अब हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। चलो चलिए वूली, हमें ओवन को प्रीहीट करना होगा। इस बीच मैं स्टफिंग बना लूंगी। पहले एप्पल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। अब कुछ चम्मच शुगर डालेंगे। हमारी एप्पल पाई स्वीट होगी। चलो सबको अच्छी तरह से मिलाएं। वैसे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम डो तैयार करेंगे। यहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे जरूरी चीज है रेसिपी को फॉलो करें। कभी भी हाथ गंदे होने से घबराएं मत। डो को अच्छी तरह से गूंदना चाहिए। एक एप्पल पाई को एकदम गोल, सुंदर और स्वादिष्ट होना चाहिए। चलो सारी चीजों को एक साथ डालते हैं। बहुत सुंदर। हेलो, क्या तुम कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो रही? तो ओवन प्री हीट हो चुका है। बेकिंग पैन में भी सब कुछ डाल दिया है। चलो अपनी पाई को बेक करते हैं। मुझे बेक्ड एप्पल्स की खुशबू बहुत पसंद है। ओह, ये रिंग बच गई। और दोस्तों, आपको कौन सी पाई पसंद है? अगर तुम अलग अलग तरह के फ्रूट्स को एक ही पाई में मिला दो तो? खैर, हम जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। और हमें क्या एक वीडियो टेप मिला है? सामी, क्या फिर से तुम्हारा कोई मजाक है? हाँ, ये कैसेट यहाँ रखी होती थी। अच्छा, तो ये साइन है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या ये कोई अम्यूजमेंट पार्क है? हाँ, और यहाँ हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। पर मेरा पेट तो पार्क से पहले ही भर चुका है। फाइव नंबर आया है। और इस नंबर के पीछे क्या है? शाम के लिए आइसक्रीम है। यम्मी, अगली बारी वो लिखी है। मुझे दो और दो मिले हैं, ये टोटल चार हुए। चलो देखते हैं। हाँ, और इसमें चार नंबर नहीं है। ये देखो, स्लाइम सैम को हराना मुश्किल है। इतना बड़ा चढ़ाकर बोलने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी दूसरी बारी का वक्त है। इस बार सैमी को वो क्या मिस्टीरियस जार है? ये किस तरह की सीक्रेट जार है? ये खुल भी नहीं रहा। और फिर मेरे और बुली के बीच एक जंग शुरू हुई। मुझे ये गेम जीतनी होगी। पर मैं हार ही जा रहा था। मुझे लगता है मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। सैमी, पास करो। इस बोर्ड पर 11 नहीं है। जाओ बुली, जाओ बुली। बुरा दिन है और मेरे पास इतने सारे जार्स क्यों हैं? हे, एक मिनट रुको, वूली कहाँ गया? ये हमें वीडियो टेप रूम में जाकर पता चलेगा। चलो भी। हाँ, चलो जल्दी चलो। ओह, मैं तो भूल ही गया। पेपर सैम, तुम भी चल रहे हो? खैर खैर खैर, हम तो पार्क में ही थे, किचन में भी। सीक्रेट, वो जार भी सीक्रेट थे। बहुत बढ़िया डिटेक्टिव। चलो देखते हैं इसमें क्या सीक्रेट है। ये वो, हे भगवान, यहाँ तीन दरवाजे हैं। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? घबराओ मत, देखो इस दरवाजे पर कोई लॉक नहीं है। अरे, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। भूली, क्या तुम यहाँ हो? नहीं, बस एक हॉस्पिटल और एक एरो है, पर इस दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है। लगता है हमें कोर्स चाहिए। साफ है कि भूली हॉस्पिटल नहीं है। खुद को संभालो, ये दरवाजे किसी कारण से यहाँ है। ये जरूर कोई हिंट होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो सोचते हैं, हमें तीन
लेटर का कोड चाहिए। ओ, मेरा नाम ट्राई करके देखो। ठीक है, तो सैम चलो भी। ओ नहीं, ये नहीं है। है, अमांडा नाम बहुत बड़ा है। चलो अब फिर ट्राई करके देखते हैं। चलो देखते हैं, ये भी नहीं है। है, तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, हमारे चैनल का नाम। ब्रावो सामी, बहुत बढ़िया। और अब बूली की मदद करने के लिए हमारे पास फ्लैश लाइट है। ओह, मेरे ख्याल से मुझे पता है ये क्या है। अब और देरी ना करते हुए काम पर लग जाओ अमांडा, मेरा मतलब सिउ। ऐसा लग रहा है बूली ने बहुत सारी स्वीट्स खा ली है, शायद तीसरे दरवाजे के पीछे उसका क्योर है। पर कोड क्या है? ये रहा, देखो ये यहाँ लिखा हुआ है। 3 5 1, चलो देखते हैं। हाँ, दरवाजा खुल गया। फिर से 3000। बिल्कुल वैसे जो मैंने पार्क में जीते थे, तो इनमें पानी और सब्जियाँ रखी हुई हैं। इन्हें ले लो और चलो। और ये रहा हमारा बेचारा वूली। ओह, तुम नन्हे से हो। चिंता मत करो, डॉक्टर सैम और अमांडा को पता है क्या करना है। पहले चलो एक्सरे करते हैं। तुम क्या कहती हो कोली? इसके पेट में से गंदा खाना निकालकर अच्छा खाना डालना जरूरी है। चलो शुरू करते हैं। घबराओ मत दोस्तों, शूट करने के दौरान किसी भी स्क्विशी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यहाँ पर बहुत सारी स्वीट्स हैं, हमें फ्रीजर चाहिए। ये लो, एक डोनट। हाँ, और ये कॉटन कैंडी, और ये स्वीट चीज भी। वो ये क्या है? और ये है, और ये बोली भी ना, और ये आखिरी चीज ये। और अब चलो इसके पेट में सेहतमंद चीजें डालते हैं। सबसे पहली डाल दी। कैरेट आंखों के लिए अच्छी होती है, और हाँ हमें पानी भी चाहिए। तो क्या हम स्टिचेस के लिए तैयार हैं? हॉप हॉप हॉप। ठीक है बूली, अब तुम्हें होश में लाने का वक्त है। हॉप। शानदार। दोस्त तुम ठीक हो? ओ, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास आज के लिए अभी एक गेम बची है। ओह, मुझे वेकेशन बहुत पसंद है। और आज हम बीच पर जा रहे हैं, ये शानदार है। आप अपने वेकेशन पर क्या लेकर जाएंगे? आह, ये तो कार्ड वाले गेम है। ऐसा लग रहा है कुछ एक दो मिसिंग है। हे बूली, तो वहाँ क्या कर रहे हो? देखो बूली ने किसी की छिपने की जगह ढूंढ ली और इस कार्ड पर डकी है। चलो भी, और मुझे सीजर्स वाला एक कार्ड मिला है। आखिरी कार्ड यही पर है, और इसमें रुको, हमें देखना नहीं है। ठीक है चलो ईमानदारी से खेलते हैं। तुम लाई हो, मैं सब कुछ इकट्ठा कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं है, ये वेकेशन से ज्यादा कंस्ट्रक्शन के लिए है। क्या तुम कहना चाहते हो? ठीक है दोस्तों, ये आखिरी पेज था। ये खत्म नहीं हो सकता, मैं अमांडा और भोली को अलविदा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। खैर, हम साथ ही क्राफ्टिंग पार्ट भी दिखा सकते हैं। हमें लाइक करें और बने रहें। हाय, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आज। चलो भी। तुम जैसे चाहो मजाक मस्ती कर सकते हो, मैं यहाँ बिजी हूँ। ये अंदर और बाहर आता है, बहुत बढ़िया। काश तुम सीरियस होती, चीजें और भी तेजी से होती। ओह सच में? खैर, चैलेंज एक्सेप्टेड। हेलो मेरे दोस्त, क्या तुम वॉक करना चाहोगे? ओह हाँ जरूर। और बुश। नहीं, को बनाना बंद करो, तुमने आधा हिस्सा भी कलर नहीं किया है। काश तुम बोलने में इतनी जल्दी नहीं करते। बम बम बम। हे सामी, तुम कहाँ हो? मुझे परेशान मत करो सुजन, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बनाता हूँ। ये देखो, अब मैं प्रैंकस्टर बन गई हूँ, और ये सबसे सीरियस। दोस्तों क्या आपको अच्छा लगता है जब हमारा सैम सीरियस होता है? अगर हाँ तो लाइक करें। और हमारी प्लेबुक का तीसरा स्प्रेड पूरा हो गया है। इतना भी बुरा नहीं लग रहा, पर ये है जिसे मैं शानदार कहता हूँ। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। सामी तुम बहुत टैलेंटेड हो। मुझे पता है। अब गेम पार्ट बनाते हैं। इसे बनाना इतना मुश्किल नहीं है, पर फिर भी ध्यान से करो। कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है ना। वुश। अब
कोई सीक्रेट हमारा इंतजार कर रहा है। मैं इसे रहस्यमय कहूँगा। चलो अब क्या यहाँ आप सब तैयार है? देखो ये हमारे प्लेयर्स हैं। ये सब मैंने किया है, ये इसके बजाय मेरे जादुई क्लॉक ने किया है। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये तो हम सभी जानते हैं सामी। वैसे कैंडी सिर्फ तुम्हारे पेट के लिए ही नहीं, दांतों के लिए भी खतरनाक हो सकती है, तो ध्यान से। चलो भी खतरनाक, इस स्टिक पर स्वीट चीज है। देखा, स्वीट खतरनाक हो सकते हैं। हम होल को डक्ट टेप से बंद कर देंगे और फिनिश लाइन की तरफ बढ़ते हैं। क्या तुम जरा इसे देखोगी, कितनी गंदगी है, बहुत हो गया। उन्होंने यहाँ हर जगह कचरा फैलाया हुआ है और मुझे इसे साफ करना चाहिए। ये क्राफ्टर्स भी। शांत हो जाओ, तुम क्या कर रहे हो? हमने अभी तक शूटिंग बंद नहीं की है। सच में, हे भगवान, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, समझो मैं चला गया। फिर कॉर्नर बच गए, वो प्लेइंग कार्ड रखेंगे। ओह, अभी भी एक मिसिंग है, पर इसे बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा इस तरफ से मोड़े और हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो सुजन? मैंने पहले से ही सब तैयारी कर ली है, देखो। ओह वाह सामी, तुमने बहुत जल्दी कर लिया। तो फिर इन सबको एक साथ रखें। और अभी पूरा नहीं हुआ है, मुझे चाहिए। ओह मुझे माफ करना सामी, मुझे यही चाहिए था। वुश, और हो गया। दोस्तों क्या आप प्लेबुक देखना चाहते हैं? तो चलो। आज के लिए काफी है। अगर आपको हमारे साथ क्राफ्ट कर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि हम दूसरी वीडियो भी बना रहे हैं। बाय बाय दोस्तों। हाँ। हे, ये क्या है? मेरा असली स्मार्टफोन कहाँ है? यहाँ भी, मैं इसे ब्रश कैसे करूँ? ये मजेदार नहीं है। क्या मैं पेपर की दुनिया में हूँ? तुमने जल्दी समझ लिया सिव। हेलो सामी, मैंने तुम्हें देख लिया, बाहर आओ। अब तुमने खराब कर दिया। तो मैं इस पेपर वर्ल्ड से बाहर कैसे आऊँ? कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें मेरे साथ यहाँ एक दिन के लिए रहना होगा। और हम यहाँ क्या करेंगे? दो चीजें, पेपर स्पेगेटी खाते हैं या पेपर गेम्स खेलते हैं। पहला वाला ऑप्शन अच्छा नहीं था, पर दूसरा मुझे पसंद आया। फिर चलो वो गेम्स बनाते हैं। मुझे पता था, चलो चलो। हाय सैम, सारे पीस ला रहा है, शुरू करते हैं। सुपर सैम पेपर की दुनिया का किंग, सब कुछ ले आया है। ओह बहुत बड़े रूलर, मैं तुम्हारे गिफ्ट्स के लिए तैयार हूँ। वाह तुम सब कुछ ले आए, पर हमें डेकोर भी चाहिए। और मुझे बताए कौन सा, येलो कलर चुनो। आज इसका पार्ट बनकर मैं बहुत खुश हूँ, शुक्रिया। मैं येलो फील्ड से शुरू करती हूँ, हमारे कैरेक्टर की तरह। क्या तुमने मुझसे बिना पूछे कैरेक्टर भी चुन लिया? मुझे पूरा भरोसा है तुम्हें पसंद आएगा, हमारा पसंदीदा लाला पान पांडा। ठीक है, फिर बनाती रहो। परमिशन देने के लिए शुक्रिया। और हमारे पास बैरियर्स तैयार हैं। अब हम इसे गेम के प्ले फील्ड से जोड़ेंगे, ऐसे। सिंपल डॉग काफी नहीं है, क्या वो गोल्फ प्लेयर भी बन सकती है? एक गोल्फ प्लेयर पर क्यों? मेरे ख्याल से टेनिस प्लेयर जैसा ऑप्शन बेहतर रहेगा, तुम्हें क्या लगता है? हम इधर होल्स नहीं बना सकते और हमारे पास ग्लव्स भी नहीं है। तो चलो सर्कस करते हैं, मैं इसको इस्तेमाल करके हाई जंप करूंगा। माफ करना सामी, तुम्हारी हाई जंप के लिए ये स्प्रिंग नहीं स्ट्रॉ है। अभी पिन बॉल पर ध्यान दो, क्या तुम ट्रिक देखना चाहोगे? देखो हमें यहाँ ऑब्स्टिकल चाहिए होंगे, पर ये दो काफी नहीं है, तो हम इसमें और लगाएंगे। वाला तुम्हें कैसा लगा? शायद हमारी डक पोल वॉल्ट कर सकती है। कितने मजेदार हो सामी, बेहतर है कि हम इसे क्राफ्ट के लिए इस्तेमाल करें, ये गेम लॉन्च का लेवर होगा, डिटेल्स लगाते हैं। तुमने लॉन्च कहा, शायद ये करना बेहतर रहेगा। जाओ
ओह बढ़िया, ये पार्ट भी काम आएगा। हम इसे टाइट करने के लिए यहाँ लगा देते हैं। वो मुझे दो, मैं अपना गेम लॉन्च करूँगा। अब इसे देखो। मुझे ये यहाँ लगाने दो। देखो मुझे क्या मिला, और मुझे इस स्पोर्ट के बारे में नहीं पता। मुझे पता है, इस पीस को यहाँ लगाना एकदम सही रहेगा। मेरी डकी प्रोग्रेस देखना चाहती है, ये हमारे खास स्पेक्टेटर है। ओह बहुत अच्छे, स्पेक्टेटर के सामने गेम बनाना आम बात नहीं है। आज हम ही स्पेक्टेटर्स और क्रिएटर्स भी हैं। शायद मेरी डकी भी इस क्राफ्ट में पार्ट ले सकती है। नहीं शुक्रिया, हम डकी के बिना ही ठीक है। मुझे भरोसा नहीं है कि वो हमारी मदद कर पाएगी, पर मुझे तुम्हारी मदद जरूर चाहिए। हमारी गेम के लिए और डेकोर लाओ। मेरे पास शटल कॉक है, क्योंकि टेनिस बैडमिंटन जैसा ही है। बहुत बढ़िया सामी, मैं इसे यहाँ लगा देती हूँ। क्या आपको अच्छा लगा, मेरे पास एक और आइडिया है, देखो मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत अच्छे, और ये जगह हमारे लाला फान पंडक के लिए है, और हमारे टेनिस प्लेयर के लिए ये रहे रैकेट्स। अब शुरू करते हैं। तुम किसका इंतजार कर रही हो? क्या तुम तैयार हो? चलो शुरू करें। नहीं इधर आओ, चलो भी और तेज। चलो मुझे तुम पर विश्वास है, चलो भी तुम कुछ भी कर सकते हाँ, हो। थोड़ा सा और, ये मैं जीत गई। और हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमें मेन कैरेक्टर को चुनना होगा। शायद मुझे एकदम अच्छा ऑप्शन मिल गया है। क्यूटी ओम नोम, बस हमें इसे बाहर लाना है। ऐसे कितना बड़ा मुंह है। अगर ये मुझे खा गया तो ये फ्रेंडली नहीं लग रहा। चिंता मत करो, ये अच्छा है और थोड़ा भूखा भी। शायद तुम हमें अपनी पेपर बॉल स्टोरीज बता सकते हो। किससे शुरू करूं? मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं। ऐसा है क्या? खैर पेपर बॉल में कोई रूल्स हैं? हम खास चीज से शुरू करेंगे। सब कुछ पेपर का होना चाहिए। सच में इसमें मैं और तुम भी आते हैं। क्या मुझे 2D जैसा होना चाहिए? नहीं मुझे थोड़ी वॉल्यूमिनस गेम चाहिए, फिर ही शायद काम करेगी। तुमने मना किया, ये वार तुम्हारी मदद करेगी। चलो काम पर लगते हैं। ठीक है कैप्टन सैम, मैं इसे पीसेस में तोड़ देती हूँ और फिर हम शुरू करेंगे। और मैं सारे प्रोसेस का ध्यान रखूंगा। तैयार हो? हाँ बिल्कुल, पहले हम फोम पेपर और वायर से गेम के बैरियर बनाना शुरू करते हैं। कितना काम करने को बचा है, शायद तुम मदद कर सकते हो। मेरे पास आइडिया है। मैं थक गया, तुम ये गेम अपने आप खत्म करो। लगता है सब तैयार है, अब गेम खेलते हैं। ओम नोम इंतजार कर रहा है। चलो भी, हम मुंह को पेंट करना भूल गए, ब्रश ले और पेंट अपने आप ढूंढो। क्या तुम कर सकते हो? प्लीज तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती। पेपर के रूलर को बहुत काम करने पड़ते हैं, विश्वास नहीं होता। सानी बड़बड़ाओ मत, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं दांत बनाती हूँ, देखो हमारा ओम नोम कैसे और अच्छा हो रहा है। ठीक है मैं मान गया, तुम सही कह रही हो, ये सच में अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे, अब खेलते हैं। चलो शुरू करते हैं। ये गेम सबसे अच्छी होने वाली है, मुझे पक्का पता है। चलो भी नीचे आओ। हाँ, आप इधर, जल्दी जल्दी। हे सानी, ये ठीक नहीं है, हम पेपर वर्ल्ड में हैं। चलो भी सिउ, मैं तुम्हारा ही खेला हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये हुई ना बात, तुम बहुत मदद करते हो जब तुम्हारा मन हो। सानी जल्दी जल्दी, मैं और कर सकता हूँ, देखो मैं क्या। सामी ध्यान से, पेपर की दुनिया में भी गिरने पर दर्द होता है। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे पेपर की दुनिया से ये उम्मीद नहीं थी। हमारे पास जरूरी सामान पहले से है और इन्हें असेंबल करते हैं। मैं क्राफ्ट बनाने में ट्रेडिशनल तरीका भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, जैसे कि हॉट ग्लू। बिल्कुल, पर सिर्फ मेरी निगरानी में। इधर आओ। मैं समझ गई सामी। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे पता था? वैसे मुझे ये भी पता है कि कंसोल के लिए साइड पार्ट को चिपकाना होगा। ओह सच में? तो मैं कंट्रोल पैनल को देखता हूँ। हे सामी, मुझे अभी भी वो फोम पेपर चाहिए। बस फ्रेम तैयार है, तो वो फोम पेपर वापस लाओ। अरे
मिलाता हूँ और इसकी नई लुक है। तुम्हें बटन भी चाहिए? तुम्हें कैसे पता? बिना बटन के वो गेम नहीं होगी। इसलिए मैं सबसे अच्छा हूँ। पर याद रखना, पेपर कंसोल, पेपर बोला मत क्यों, कहाँ है? शुक्रिया, मुझे याद है। चलो गेम के लिए बैकग्राउंड ढूंढते हैं। क्या तुम मेरे बिना चुन रही हो? मुझे देखने दो। ओह, ये 6 सहेलियाँ प्रिंसेस सेलेसिया और कैंडेंस। मैं इसमें स्पाइक भी लगाऊंगी, पर पिक्चर बहुत पतली है, कार्डबोर्ड लगाना होगा। ये मुझे दो, मुझे बताए क्या मिसिंग है। सामी, ध्यान से प्लीज, वैसे रिजल्ट अच्छा है। मैंने तो कहा ही था तुम मेरे बिना नहीं कर सकती, ये सच है। बिल्कुल, खासकर अगर हम पेपर की दुनिया की बात करें तो। हाँ, इसे मत भूलना, ये है मिसिंग पार्ट। बाकी को तुम देखो। ठीक है, चलो एक टेस्ट कर देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही सब सही है। अब हमें ऊपर स्क्रीन लगानी है और बस फिर हो गया। बढ़िया, जैसे कि मैं पेपर की दुनिया का रूलर हूँ, मैं इसे पास कर रहा हूँ। चलो मुझे शुरू करने दो। चलो चलें। चलो भी। आहा, ऐसे ही जल्दी। चलो सियो, मैं तुम्हारे लिए चिल्ला रहा हूँ, तुम कर सकती हो। थोड़ा सा और, ऐसे ही। हाँ, आज मैं सब गेम में जीत गई। थोड़ा और, बस यहीं पर। चलो भी। इसे यहाँ लगाते हैं और इसे वहाँ। अरे, मैं जीत गई। हे, यहाँ क्या चल रहा है? क्या तुम देख नहीं सकती? मैं पेपर की दुनिया में सब सही कर रहा हूँ। मैं किंग हूँ। जैसा तुम कहो। ये रहा पेपर की दुनिया के लिए पेपर किंग। तुम हार हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें सजा दूंगा। ये लो पेपर किंग। मुझे कभी चैलेंज नहीं कर सकते। सब पेपर कैरेक्टर को सजा दो। बाय दोस्तों, मैं असल जिंदगी में रॉड से मिलने जा रही हूँ। बेकार सैम, मैं भूल गया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों, मेरे लिए रुको। ये हुई ना बात। सामी, लगता है मुझे सर्दी हो गई है। ओ नहीं, क्यों? तुम्हें नया क्राफ्ट किसके साथ बनाऊंगा? जरा रुको सामी, शायद मेरे पास इसका इलाज है। मैं किसी को जानता हूँ। हे दोस्त। हेलो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? हाँ ठीक है, मुझे जरूरत पड़ेगी। आह, ये रहा। और नहीं, ये हुई ना बात। तो तुमने किसे कॉल किया था? वाह, ये तो कमाल है। हे मारियो दोस्त, मुझे पता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हेलो सामी, चलो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाय दोस्तों, मारियो की दुनिया में स्वागत है। मेरा पार्टनर कहाँ है? डबल क्लिक। मैं यहाँ हूँ और मैं कैरेक्टर में भी हूँ। मैं पहला पीस भी ले आया, मैं बहुत जोश में हूँ। वाओ, ओह सैम, क्या तुम लुईजी की तरह कपड़े नहीं पहनने वाले थे? खैर, हम इसे वीडियो एडिटिंग में बदल देंगे और तुम अपने कैरेक्टर में रहो। आज हमारी सुपर रेस होने वाली है दोस्तों। ये सच है, तो ध्यान से देखिए। मारियो की मशरूम की ताकत काम आ रही है। रेस जीतने की सबसे जरूरी चीज देखोगे, हमें सबसे ज्यादा स्पीड पर चलने के लिए कूल जॉयस्टिक की जरूरत पड़ेगी। वाह, ये मेरी पहली ड्राइव है, इसमें ब्रेक कहाँ है? तुम्हारी स्टीयरिंग व्हील को छोटे से बदलाव की जरूरत है। चलो इन दो कार्डबोर्ड के टुकड़ों को चिपका दें इस तरह। व्रूम व्रूम, हे हट जाओ, विनर आ गया है और इसका काम खत्म हुआ। हाँ,
तुमने लगता है किसी और अपग्रेड करने की जरूरत है? खैर क्यों नहीं। हैया, मजाक कर रहा था। सब कुछ अच्छे से करो दोस्तों। ये मदद की। अब इन्हें जोड़ने का वक्त है। दो तैयार पीसेस। शुक्रिया सैम, ये लो। बढ़िया, हम कह सकते हैं कि स्टेरिंग का काम खत्म हुआ। बिप बिप। मारियो, क्या हम तैयार हैं? मैंने छोटी रेस कार्स पर ट्रेनिंग शुरू कर दी। कुछ तो बोलो। स्पीड कम हो रही है। तो हम क्या करें? हम स्पीड बढ़ाए बिना कोई रेस नहीं जीत सकते। चिंता मत करो, हमें जो भी चाहिए वो फैक्ट्री में है। खैर चलो देखें इसमें क्या है। ओह हाँ, जो हमें चाहिए था, हॉप और इस तरह। पर हम ये कैसे? तो ये कैसा बना है? वाओ। सबसे मजेदार हिस्सा भी आने वाला है। इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये लो। वाह, तो पेडल के नीचे एक और जॉयस्टिक छिपी रहेगी। कूल, मुझे रफ्तार बढ़ाने दो। एक बार और। शुरू विचार। लगता है वहाँ कोई स्पीड ब्लॉक है। हम क्या करें? शायद हमें थोड़ा और काम करने की जरूरत है। वो हमारे पास कितना कमाल का पीस है। हमें बस इस पर अच्छे से काम करना है। और हमारे पास ये है। इस तरह हमें इसे अच्छे से लगाना होगा। ये हर एंगल से बड़ा है। शायद मारियो मेरे बिना ही ठीक है। चलो सैम, रेस ज्यादा दूर नहीं है। क्या तुम डर गए हो? एक्सक्यूज मी, स्लाइम विकिपीडिया के हिसाब से स्लाइम सबसे बहादुर होते हैं। हॉप, वुश, ये। और हम ताकतवर भी होते हैं। मैं मारियो से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। तो हमें रेस में पावर की जरूरत नहीं है। ये एक अच्छा एडवांटेज है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मदद नहीं चाहिए। ये भारी है मारियो। अब ये हुई ना बात। मुझे नहीं पता, पर ये बहुत कूल है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? ये रेस ट्रैक इनविजिबल है, ट्रेनिंग ग्राउंड खाली है। तुम सही कह रहे हो। तो हमें क्राफ्ट के अगले स्टेज पर चलना चाहिए। ये बिल्कुल फिट हो गया। और ये है क्या? ओह, साइड पैनल्स। ऑसम, हाँ? मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा। खैर, ये लगभग बन नहीं वाला है। और मेन स्क्रीन अपनी जगह पर है। वाह मारियो, तुमने बड़ी सी अच्छी चीज बनाई है। पर मेरे हिसाब से तुम अभी उतने तेज नहीं हो। ओह सच में, तुम इसके बारे में क्या कहोगे? हॉट ग्लू के साथ जल्दबाजी नहीं। एक, दो, तीन और शुरू हो जाओ। बढ़िया। और क्या? खैर जरूर। क्या तुमने कुछ और सोचा है? तुम्हें पता चल जाएगा। पर हाँ? चलो थोड़ा कूल टेक और लगाएं। करने बैठा। ये देखो। ओ, ओ।
खैर सैमी, तुम एक असली इंजीनियर हो, पर मैं भी कुछ कर सकता हूँ। हाँ, थोड़ा सा यहाँ और हॉप, काम बन गया। क्यों ना हम अपनी सजावट को स्कूल रिबन के साथ पूरा करें। हाँ, बस थोड़ा और ऐसे। हाँ, यहाँ चिपकाएं, अच्छे से दबाएं, बढ़िया, वो। और ये रहा मेरा खुद का लोगो। अब सबको पता चल जाएगा कि क्राफ्ट मास्टर कौन है। चलो सैम, चलो कैसे। मारियो रेस में इतना खो गया कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कितना टाइम हो गया। हाँ दोस्तों, क्या आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और हमेशा की तरह सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे। और फिर आखिरकार ब्रेव नाइट ने डरावने ड्रैगन को हरा दिया। वाओ, वो नाइट सच में बहादुर था। नाइट ने फायर ब्रीदर को हराकर सुंदर प्रिंसेस को बचा लिया। दी एंड। गुड नाइट सैमी, अच्छे से सोना। बेहतर सैमी हर जगह घूम चुके हैं। उन्होंने बहुत तकलीफों का सामना किया है, पर इस बार उनके लिए ढूंढना सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। बस इतना ही। कम, बुरी लिज़र्ड। मैंने उसे हरा दिया। और वापस कभी मत आना। अब तुम सेफ हो माय लेडी। मुझे जानकर अच्छा लगा, तुम जानती हो। तो मेरे सपनों में प्रिंसेस थी और वो सुंदर थी, असल में वो थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। सैमी, क्या हम ये बाद में करें? मैं बहुत थक गई हूँ। नहीं, मुझे तुम्हें सब बताना है अभी। मुझे लगा था कि तुम यही कहोगे, मुझे थोड़ी कॉफी चाहिए। हाँ सैमी, तुम कह रहे हो कि तुमने अपने सपने में मैजिकल क्रिएचर्स देखे। और कुछ बड़े बर्ड्स थे और सबसे सुंदर प्रिंसेस। मैं समझ गई सैमी, मेरे पास क्राफ्ट के लिए एक आइडिया है और तुम मेरी मदद कर सकते हो दोस्त। हमेशा मदद करेंगे। ओह ठीक है, चलो काम पर लगते हैं। मुझे कुछ शेप्स बनाने के लिए ये कार्डबोर्ड का पीस चाहिए। जब तुम्हारा हो जाए, क्या तुम मेरे लिए एक बढ़िया शील्ड बना दोगी? क्यों नहीं, सर सैमुअल के लिए कुछ भी। ब्रेव सर सैमुअल, माफ करना, ब्रेव सर सैमुअल। ठीक है, मैंने शेप्स काट ली है और मैंने इन पीसेस को मोड़ लिया है। ये बात के लिए जरूरी है, मुझे कार्डबोर्ड को जोड़ने के लिए ग्लू गन चाहिए। हमें उसे मजबूत बनाना होगा ताकि ये सैम प्रूफ हो। क्या ये मेरा लड़ाई के लिए कोई दूसरा दुश्मन है? क्या पता सैमी, शायद तुम दोनों अच्छे दोस्त बन जाओ। अब मुझे इन पीसेस को साथ में ग्लू से जोड़ना होगा, बिल्कुल ऐसे। ओह, मैं कुछ भूल रही हूँ। सैमी, क्या तुमने मेरी पॉपसिकल स्टिक्स देखी? नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। चिंता मत करो गुड सर, मेरे पास और बहुत है। मैं बस खुश हूँ कि आप यहाँ पर हैं ताकि मैं सेफ रहूँ। ये पॉप्सिकल स्टिक इस होल के अंदर लगाते हैं ऐसे। अब मैं कार्डबोर्ड के पीस को लगा सकती हूँ। ये कैसा लग रहा है सैमी? जरूरी बात ये है कि तुमने ट्राई किया, बस इतना काफी है। ये अभी नहीं बना है, मुझे बस इस पार्ट के लिए तुम्हारा ओपिनियन जानना है। लगता है हमारा प्रोडक्शन बजट बढ़ गया है, मैं इंतजार नहीं कर सकता कि ये कैसा लगेगा। मैं इसे बढ़िया और कलरफुल बना देती हूँ। चलो इस लिटिल बर्ड का फेस बनाते हैं। अगर तुम एक बर्ड बनाना चाहती हो तो बीक कहाँ है? तुम सही कह रहे हो सैमी, ये बीक बन जाएगी।
पर ये ठीक नहीं लग रही है। ये हुई ना बात। पर विंस कहाँ है? मैं तुमसे आगे हूँ मेरे दोस्त। इसलिए तुम ये ऑपरेशन कर रही हो सिउ? और मैं हूँ शानदार हैंडसम स्लाइम। शुक्रिया। अब हमें ये करना है। मुझे सोडा कैप को पॉपसिकल स्टिक से लगाना होगा ऐसे। और हो गया, ये तैयार है। वाह, सिउ ये बढ़िया है। और ये बर्ड मेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरा दोस्त बन सकता है। ओह, इसका बेस्ट पार्ट देखो सामी, इसे देखो। हाँ, पकड़ लिया। वाह, ये कितना बढ़िया था। सिउ दोबारा करो। इसमें कुछ अपने पैसे रख सकते हो, है ना? और सारे रिचेस जो भी मुझे मिले। तो मैंने अभी पूरा सपना नहीं बताया, वो इविल ड्रैगन बिल्कुल। रुको सैम, मेरे पास क्राफ्ट के लिए एक दूसरा आइडिया है। 1001, 1002, 1000। इस बार तुम क्या करने वाले हो? मेरी बॉडी एक टेंपल है सिउ, मुझे इसका ध्यान रखना होता है। ब्रेव नाइट को फिट रहना चाहिए, तुम जानती हो। बिल्कुल, इसे देखकर मुझे एक आइडिया आया। हे सैम, तुम बड़े डरावने ड्रैगन से लड़ना नहीं चाहते? नहीं, मुझे अपना बार्बेक्यू नहीं बनवाना है। हाँ, मैं सोच रही थी कि तुम यही कहोगे। मेरे पास कुछ है जो तुम्हारी ढूंढने में मदद करेगा। कुछ तो है मेरा ध्यान भटकाने के लिए। एक्सरसाइज करना मुश्किल है। वर्कआउट करना अच्छा होता है मेरे दोस्त। मुझे बाद में बहुत दर्द होगा, मुझे पता है। मैं पेपर के किनारे पर लाइन बनाना शुरू करती हूँ और अब मुझे इसे मोड़ना होगा, बिल्कुल ऐसे। मैं समझ गया सिउ, मैं अभी बॉडी बिल्डर हूँ, समझी? चलो, ये किसने बनाए? मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाती हूँ, बॉडी बिल्डर। पास से देखो। कभी कभी स्मार्ट वर्क करना अच्छा होता है। खैर, मैंने तुम्हारे लिए हाफ बना दिया। ओह हाँ सैम, और मदद के लिए शुक्रिया। मैं कार्डबोर्ड को रोल नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर बस दो लाइंस बनाऊंगी और यहाँ पर भी। अब मैं छोटा कट करूँगी और दूसरी तरफ भी। हाँ, हे सैमी, क्या तुम मुझे रबर बैंड पास कर सकते हो? ये मेरी क्या मदद करेगा सिउ? मेरा भरोसा करो, तुम्हें ये पसंद आएगा। अब इसे एक साथ चिपकाते हैं, ये अलग नहीं होने चाहिए। तुम सही कह रही हो सिउ। चलो इसे वाई शेप में मोड़ते हैं। ये थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, और बिल्कुल ऐसे। खैर, ये देखो, तुम्हें कैसा लग रहा है? वो, ये कैटापल्ट है। मैं कब से चाहता था कि ये मेरे पास हो। सिउ, इसे मुझे दो, मुझे दो। ये बस बनने वाला है, हमें बस एक और चीज चाहिए। ये हुई ना बात। वो, बढ़िया, मैं हमेशा से यही चाहता था। तैयार हो? टारगेट पर फायर। वाह, बेहतरीन। ठीक है, इसे मुझे दो, टारगेट सही है। चलो चलो चलो, हम ऐसा दिखाएंगे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। ये सबसे बढ़िया चीज है, ये मुझे कभी बोर नहीं करेगा। मेरा सबसे खतरनाक बाउ। पर ये ठीक है, मेरे पास मेरा कैटापल्ट है। ओह सामी, ऐसा मत करो, इसे मुझे दो। नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकल आए। कितना दूर से हो, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगी। रुको सिउ, मेरा पैराशूट बनाओ जल्दी। सामी सामी, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। मुझे पता होना चाहिए था कि ये बुरा आइडिया है। और फिर वहाँ पर किसी ने आग लगा दी, पर मुझे डर नहीं लगा। सामी, क्या ये तुम मुझे सुबह नहीं बता सकते थे? वो एक ड्रैगन था सिउ, एक असली ड्रैगन, क्या तुम्हें यकीन है? एक ड्रैगन? हो? हाँ, उसके विंग्स शार्प टीथ थे और वो एक स्टफ्ड टॉय नहीं था। एक स्टफ्ड टॉय? भूल जाओ जो मैंने कहा, वो एक बहुत ही डरावना असली का ड्रैगन था। मैं इस बार कुछ स्पेशल बनाऊंगी, ये बिल्कुल सैमी के सपने के ड्रैगन की तरह होगा, बस वो सॉफ्ट और आरामदायक नहीं होगा। ओह सैमी हैरान हो जाएगा। क्या किसी ने सरप्राइज कहा? क्या वो आइसक्रीम है? मैं रात में खा सकता हूँ। बस कुछ गड़बड़ मत करना सैमी। मैं वादा नहीं कर सकता सिउ। ओह सैमी सैमी।
चॉकलेट आइसक्रीम खत्म हो चुकी है। पर हमारे पास 3 कार्टन थे अब नहीं है। और मुझे हैरानी नहीं हुई। हाँ, हो गया। ड्रैगन की पीठ बनाते हैं, है ना? वाह, क्या जो मैं सोच रहा हूँ ये वही है? अगर तुम्हारा मतलब है एक बढ़िया ड्रैगन, फिर हाँ, तुम सही हो। ये बहुत लाजवाब होगा। समझ गई? मैं समझ गई सैम, ये बहुत फनी था। और हमारा प्यारा ड्रैगन बस बनने ही वाला है। फोम शीट से इस पर थोड़ा टेक्सचर आएगा और इससे ये और डरावना लगेगा। बस हो गया सैमी, ये बन गया। लगता है तुम मेरे सपने में खींचती हो। इसे देखने के लिए इंतजार करो। लगता है हमारे ड्रैगन को भूख लगी है। हे किमिडावा, ये स्लाइम कितना ब्रेव है। अब देर हो रही है। हाँ, कितनी बिजी नाइट थी। तुम जानते हो अब सोने का वक्त है, क्या कहते हो? सामी, हेलो। ओह, ये कितना प्यारा लग रहा है। कितनी लंबी रात थी, हमने बहुत बढ़िया चीजें बनाई। आप ये देख सकते हैं, तब तक मैं शाम को सुला देती हूँ। प्रिंसेस, मैं वापस आ गया। मैंने कितना ट्रैवल किया, कितने खजाने ढूंढे, पर तुमसे ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। हे दोस्तों, ये एक रोमांटिक मोमेंट है, आपको कोई परेशानी तो नहीं? सबको गुड मॉर्निंग। सामी, उठो। क्या सुबह हो भी गई? अच्छा, हाँ, वॉशिंग मशीन। पर मेरा नाश्ता कहाँ है? हे, मुझे नाश्ता चाहिए। नाश्ता, नाश्ता। लो, अच्छे से खाओ, पर स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ, स्कूल। मेरा मतलब है, पर अभी ज्योग्राफी क्यों? हे, फिजिक्स, ये बेहतर लगती है। हमें चलना होगा। शॉपिंग। शॉपिंग पर क्यों? क्या चल रहा है? खाने का वक्त हो गया। खाना अभी? हे, अब सोने का वक्त हो गया। गुड नाइट। ये गेम बहुत कमाल की बनकर सामने आएगी। दोस्तों, क्या आपको भी खेलनी है तो पहले बनानी होगी। आओ। तुम चाहती क्या हो? सुजी, तुम्हें जो चाहिए था मुझे मिल गया। आओ तो शुरू करें। सबसे पहले टेप की मदद से अपने गेम का बेस बनाएंगे। दोस्तों, आपको इसके लिए पेन और मार्कर्स की जरूरत होगी। लो। हाँ, अब उस नन्हे कैरेक्टर का इस्तेमाल करो। कर रही हूँ। हमारे पास 4 आर्च और 4 लोकेशन होंगी और थोड़ा जादू। अब सही है। रुको, हमें कुछ और करना होगा। लो, इसे पकड़ो। तुम सही कह रहे हो, तो चलो शुरू करें। तुम यहाँ रहोगे, पसंद आया? नहीं, खाली और बोरिंग है। ओह, तुम मुझे गिराने वाले थे। सुजी, एक इमरजेंसी है, हमें अर्जेंटली नई लोकेशंस की जरूरत है। हो जाएगा बॉस, मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। वो रिजल्ट तो देखें दोस्तों। मेरा सर अभी से चकरा रहा है। ध्यान से सामी, चलो देखिए हमारे नन्हे दोस्त का क्या कहना है। खाली है और बोरिंग है। मुझे अच्छा नहीं लगा। उसे खुश करना बहुत मुश्किल है। अब हम क्या करने वाले हैं? जाहिर है, हम थोड़ी और ड्राइंग करेंगे और हमें ढेर सारी अलग अलग चीजों की जरूरत होगी। हमें इस दुकान में कैंडीज रखनी होगी। क्या कहती हो? स्कूल फिशी के बारे में क्या ख्याल है? एक सेकंड रुको। हो गया। सेव, क्या वो स्केटबोर्ड है? ओह, मैं इसे हिल से नीचे उतर सकता हूँ। शांत हो जाओ सामी, अब हमें इस पूरे में रंग भरना होगा। लो, हमें ब्राइट कलर्स की बहुत जरूरत है। चलो मजेदार हिस्सा शुरू करें दोस्तों। करने वाला हूँ, पापा के पास आओ। मैं कर लूंगी। हे सेव,
इतनी लालची मत बनो। रिलैक्स सैमी। नहीं नहीं, सिर्फ पेपर की चीजें लगा सकते हैं। जैसा तुम कहो सीओ। शुभ विचार। क्या हम कलरफुल वॉलपेपर बना सकते हैं? हमने पहले भी बनाया हुआ है, याद है? ओह हाँ। दोस्तों, वैसे आप हमारे चैनल पर वो क्राफ्ट देख सकते हैं। सामी, अभी भी काफी कलर करना बाकी है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ हाँ, पर मैं कपड़े बदल कर आया। ला 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 ला। बहुत मजा आएगा हनी। माफ करना, क्या तुमने पूरा कर दिया? ओह माफ कर दो मिस्टर मैग्निफिक, पर मैंने अपने लिए जगह छोड़ी है। ओह क्या बात है, अभी करते हैं। हमेशा ऐसे ही क्यों होता है? पर तुमने काफी अच्छा किया, मुझे बहुत पसंद आया। मेरा काम हो गया, मैं जाकर कपड़े बदलता हूँ। बहुत अच्छा बना। दोस्तों, क्या आपको भी ब्राइट कलर्स पसंद है तो लाइक करें, क्योंकि मैं रियल प्रो हूँ। और अब हमें ध्यान से सब काटना होगा, नहीं तो सिर्फ खाली दीवारें रह जाएंगी, कोई खिड़की नहीं, कुछ नहीं। प्यारे एडल्ट्स, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। मचाओ। और हमें कुछ ऐसा मिला, अब अगली स्टेज पर बढ़ते हैं। हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। हमने सारी लोकेशंस बना ली, पर हमारा कैरेक्टर रहने वाला कहाँ है? अच्छा सवाल है। दोस्तों, आप किन देशों और कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानते हैं? अफ्रीका चलें? मुझे नहीं पता। या एशिया? अरे हाँ, चलो उसे नॉर्थ पोल भेजें। अच्छा। ओह नहीं, हमें उसे स्पेस में भेजना चाहिए, पर पहले ड्रॉ करना होगा। सही कहा, लोकेशंस बनाने में बहुत मजा आता है, और मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्या बनने वाला है? तो चलो शुरू करें। गर्मी है, सर्दी है या कुछ और? माफ करना सैमी, मैं अभी ठीक करती हूँ। हे, सामने से हट जाओ। अचानक एक गुस्से वाला बादल हमारी टाउन के ऊपर आ पहुँचा। ओह नहीं, ये लो। सिव, आराम से। अगली बार मैं जीतूंगा। वैसे हमने अब तक रात नहीं बनाई। बहुत खूब, चलो इसे जोड़े। पर हमारे रात के आसमान में तारों की जरूरत है, उसके बारे में क्या ख्याल है? मैं वही कर रही हूँ, पर मुझे स्पीड बढ़ानी होगी। और हो गया। और थोड़ा मेरा टच। रास्ते से हट जाओ। सामी, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छेद बनाना है, और मैंने कर दिखाया। मैं कमाल का स्लाइम हूँ। तुम पूरी कंस्ट्रक्शन को चिपका सकती हो। मैंने कर दिया। दोस्तों, अब हम खेलना शुरू कर सकते हैं। खेलना? अभी मैं तैयार नहीं हूँ। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? चलो शॉपिंग पर चलें। ठीक है, शॉप पर। स्कूल सही रहेगा। ओह सैम, ये सब एक टेस्ट चल रहा है। ठीक है दोस्तों, हम असली गेम कुछ ही देर में शुरू करेंगे, कहीं मत जाना। हम शुरू कर रहे हैं या नहीं? अगर तुम तैयार हो तो। मैं हमेशा से तैयार हूँ। तो चलो शुरू करें। एक बार की बात है, पेपर से बना एक नन्हा लड़का पेपर वर्ल्ड में रहता था। ओह, मैं यहाँ रहूँगा। उसे एक घर मिला और वहाँ रहने लगा। क्या हम उसके एडवेंचर्स पर एक नज़र डालें? वुहू, ये घर कितना बड़ा है, बहुत अच्छा है। चलो देखिए इस शहर में और क्या क्या है। ओह, पास ही में एक दुकान है, क्या हम वहाँ चलें? मुझे बहुत भूख लगी है। अब चलो शॉपिंग करें, बस पास में ही है, हम वहाँ चलकर जा सकते हैं। ओह, हम पहुँच गए। मुझे सब चाहिए, चिप्स और सोडा। ओह, मुझे इसके पैसे देने चाहिए। और अब घर जाने का वक्त हो गया। ओह देखो, हमारे घर पहुंचने तक अंधेरा हो गया। ओह, रात आ गई। आखिरकार हम घर वापस आ गए। पहले खाना खाएंगे, अच्छे से खाना। मेरे मुंह में पानी आ गया। फिर बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, मैं भी जाकर स्नैक्स खाता हूँ। अरे कोई बहुत थक गया है, चलो सोने की तैयारी करें। पर पहले मैं गर्म पानी से नहाना चाहूँगा, बहुत आराम मिलता है। अब पर्दे बंद कर देते हैं। सबको गुड नाइट। क्या
बस इतना ही था, मुझे आगे की कहानी भी जाननी है। तुम उसे जगा दोगे? रुको, सुबह हो गई, दिन की शुरुआत करेंगे। ये आज मैं स्कूल जाऊंगा। हाँ, आज स्कूल का पहला दिन है, गाड़ी पर चलते हैं। हम इंजन चलाएंगे। ओह, कुछ गड़बड़ हो गई, गाड़ी खराब हो गई, पर हमारा कैरेक्टर ये संभाल लेगा। तो अब कैसी है ये? दोबारा चलने लगी। चलो जल्दी करें और स्कूल चलें। हम बिल्कुल सही समय पर आए हैं, बेल बज गई, क्लास में जाओ। क्या वो अकेला पढ़ता है? मुझे भी जानना है। 3 times 3 होता है 9, 5 times 5 25। ओह, उसकी मैथ अच्छी है। हमारे कैरेक्टर ने कमाल कर दिया और ये रहा अवार्ड जिसके वो काबिल है। लेसन खत्म हो गए, पर घर जाने में अभी वक्त है, चलो पोस्ट ऑफिस चले। हाय, मैं अपनी मॉम के पैकेज का इंतजार कर रहा हूँ। पेरेंट्स ने तोहफा भेजा है, कितना प्यारा है, लो। शुक्रिया। अंदर क्या होगा? वाह, असली स्केटबोर्ड है, मैं कब से इसके सपने देख रहा था। क्या तुम मुझे भी ऐसे स्केटबोर्ड खरीद कर दोगी? बिल्कुल सामी। वाह, काफी अच्छा चला रहा है। क्या राइड है, देखो फिर से शाम हो गई। मेरे पास घर पर बहुत काम है, मुझे होमवर्क करना है। ओह, बहुत चीजें याद करनी है। ओह देखो, हमारे कैरेक्टर से मिलने फ्रेंडली स्लाइम आया, मुझे लगता है वो लोग पार्टी करने वाले हैं। क्या बात है, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। दोस्तों, क्या आपको कहानी पसंद आई? चलो एक बार फिर अपने क्राफ्ट को देखें। और हमारा आज का काम खत्म हुआ। तुम्हें गेम पसंद आई? ओह सिव, मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे इस जगह को नहीं छोड़ना, तो यहीं रहो। सिव, क्या कर रही हो? दोस्तों, क्या आपको हमारे साथ खेलकर मजा आया? तो लाइक करें। क्या तुमने सब्सक्राइब करने को कह दिया? ओह हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डॉल्स, प्रिंसेसेस, स्वादिष्ट केक्स और साथ ही कई और बढ़िया चीजों पर वीडियोस बनाते हैं। जल्दी मिलेंगे। सिव, हम क्या करेंगे? माफ करना, पर तुम बहुत सॉफ्ट हो, अलग अलग तरीकों से। अगला। क्या तुम अपनी पूंछ से पत्थर हटाने वाली हो? अगला। लगता है कि स्टीव के काम के लिए हमें कोई भी कैंडिडेट नहीं मिलने वाला। हम सुबह से इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे खेलने का समय भी नहीं मिला। हे, ये देखो, प्लम्बर का काम किया हुआ है, सालों तक हरे मैदान पर काम करके जंगली मशरूम से कूद कूद कर लड़ाई की है। हाँ, जरा मुझे दिखाओ। ये तो अच्छा लग रहा है, चलो इसे बुलाते हैं। तुम्हें पता भी नहीं है कि वो कौन है? हर किसी को उस कैरेक्टर के बारे में पता है, चलो गेम बनाते हैं, चलो। ठीक है। हे, कूदो एक बार और। ठीक है, बढ़िया। आहा, सूजी ध्यान दो, जब तक हमारा कैंडिडेट नहीं आता हमें गेम बनानी होगी। चलो शुरू करते हैं, हमें पहले क्या करना है? हम इस कार्डबोर्ड पीस पर दो छोटे सर्कल ड्रॉ करेंगे। हो गया। शायद मुझे पता है आगे क्या करना है, हम इन्हें काटेंगे। सुजी, मुझे पता है तुम मेरे मन की बात जान जाती हो, हम एक परफेक्ट टीम है। दोस्तों, स्कैल्पल के साथ संभल कर काम करें, अगर जरूरत हो तो बड़ों से मदद मांगे। सैम ने मुझे एक सीक्रेट बताया था, हमें ऐसे दो चाहिए। चलो अंदर की तरफ ग्लू लगाए। वुश, स्मूथ। पर हम दो पीसेस को साथ जोड़कर अच्छे से दबाएंगे, ऐसे। इसे मैं चिपकाता हूँ सुजी, ये काम मुझ पर छोड़ दो। अब हम इसे स्क्वायर कार्डबोर्ड पीस से अटैच कर देंगे। ये देखो, ये हमारी माइनक्राफ्ट फील्ड का बेस होगा। पर ये काफी नहीं रहेगा, चलो ऐसे ही एक पीस दूसरे साइड पर चिपकाते हैं। सामी, पर हमारे कैंडिडेट ने माइनक्राफ्ट पहले कभी नहीं खेला है, हम इससे कैसे डील करेंगे? आसान है, हम उसकी मदद के लिए एक मैकेनिज्म बनाएंगे। दोस्तों, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा, तुम्हें बस इस लंबी ट्यूब को छोटे वाले में घुसाना है। ओह, मैं समझ गई, हम इस ट्यूब को साइड वॉल्स में लगाएंगे, ऐसे। क्या एक और लगानी है? ये हो भी गया। दोस्तों, इन्हीं स्टेप्स को फिर से दोहराएं।
अब ये वश करके लेफ्ट और वश करके राइट में जाएगी। पर क्या है? हाँ, लगता है इस मैकेनिज्म को चलाने के लिए हमें मोटर की जरूरत होगी। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि दो मोटर्स चाहिए होंगी और बाकी का सामान भी। ये देखो। वाह, ये तो सच में कमाल हो गया। दो मोटर्स, बैटरीज और एक रिमोट कंट्रोल बोर्ड। हर मोटर अलग अलग कार्डबोर्ड पीस को हिलाएगी। पहले हम रील को अटैच करेंगे और फिर डबल साइडेड कार्डबोर्ड पीस पर लगाएंगे। मोटर के लिए बिल्कुल सही साइज। मैं जीनियस हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करने वाला है? चलो बेस पर धागा लगा देते हैं, साइड बॉल्स पर छोटे छेद बनाते हैं और वुडन पीसेस से उसे मजबूत करते हैं। जब ये हो जाए उसमें से एक धागा डालें। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। मैं अपने कैंडिडेट को कॉल करता हूँ, पर पहले सुजी ये लो, भीड़ के आसपास धागा बांध दो। आसान है दोस्तों, चलो सिक्योरिटी के लिए एक दो बार और घुमा देते हैं। अब हम प्लेटफॉर्म पर दो टुकड़े डबल साइडेड टेप के लगाएंगे और इसे शॉर्ट प्लास्टिक ट्यूब के ऊपर रख देंगे ऐसे। वो फोन नहीं उठा रहा सुजी, अगर वो नहीं आया तो हम क्या करेंगे? मेरे पास इस तरह की इमरजेंसी के लिए प्लान बी है। फिर मुझे प्लान एच ई एल और बी के बारे में सोचना होगा अगर जरूरत पड़ी तो। मैं नेचुरल सफर हूँ। एक और बार सुजी। आउच, सामी तुम ठीक हो? चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये पीसेस लेने बैक स्टेज गया था। इस वाले पर सुपर ग्लू लगाओ और अच्छे से फैलाना। तो इस तरह से दो पीसेस एक बन जाते हैं। हम ऐसा ही एक और पीस दूसरी तरफ भी लगाएंगे। नहीं, सेफ्टी मेजर। हाँ, वादा करता हूँ मैं फिर से नहीं गिरूंगा। और ये लग गया। मुझे यकीन है, पर मैंने इसे सिर्फ क्राफ्ट के लिए ही बनाया है। स्लाइम की ताकत दिखाता हूँ। हो गया। बहुत बढ़िया दोस्तों, सामी को लाइक करो, वो इसका हकदार है। मेरा पार्ट अभी काफी बोरिंग लग रहा है। सामी, तुमने मेरी मोटर चुरा ली। मेरे पास तुम्हें खुश करने के लिए कुछ है, ये लो। शुक्रिया बेस्टी। चलो मोटर को कार्डबोर्ड पीस पर लगाते हैं। दोस्तों ये देखो, प्लेटफॉर्म बिल्कुल बड़े वाले की तरह लग रहा है ना? हाँ, तुम्हें पहले वाले स्टेप से दोहराने हैं। आसान है ना? हाँ। दोस्तों सारे टेस्ट पूरे हो गए हैं, मशीन अच्छे से काम कर रही है और हमने डबल साइडेड टेप के इस्तेमाल से बैटरी मॉडल और प्लेट लगा दी है। बहुत बढ़िया। ये क्या है, मैग्नेट? नहीं, ये मुझे अपनी तरफ खींचेगी। सामी, हमेशा की तरह बढ़िया एक्टिंग थी। दोस्तों आपको पता है कि स्लाइम्स मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट नहीं होते? तो तुम्हारे जैसे कमाल की स्लाइम को क्या चीज अट्रैक्ट करती है? मुझे सोचने दो। कार्डबोर्ड, बिल्कुल, हम एक हैं। ओह प्लीज, मुझे भी तुम्हारा कार्डबोर्ड क्लब ज्वाइन करने दो, मैं भी कार्डबोर्ड में काफी अच्छी हूँ। और ये पीस जाएगा यहाँ। तो फिर तुम्हें शायद इस पीस को लगाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तुम छोटे से स्लिक स्लाइम हो, लगता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलो कुछ और पार्ट्स लगाते हैं। वाह, ये काम कर गया। शाबी चार्ल्स, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इन सबको काम करते देखने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं भी। दुख की बात है कि मैकेनिज्म को ढक्कन के नीचे छिपाना पड़ रहा है। तुम्हारा मतलब है कि हम इसे अभी भी ढकने वाले हैं? अगले स्टेज के लिए ये करना ही पड़ेगा, बाद में ढक्कन का कोई फायदा नहीं है। हमने सजावट के लिए अभी तक कोई पैटर्न नहीं चुना है। चुनना काफी मुश्किल है, लगता है तुम्हारे पास मैकेनिज्म को देखने का थोड़ा वक्त है। मैं जीनियस हूँ। दोस्तों आपको ये ग्रास पैटर्न कैसा लगा? शायद ये टॉप प्लेयर के लिए सही रहेगा। हे सुजी, क्या तुम मुझे फिर से एक बार प्लेटफॉर्म पर राइड दोगी? दोस्तों मुझे एक मिनट दो, बने रहो। सिर्फ ये तो डरावना था। ओह, तुमने यहाँ कितनी अच्छी घास उगाई है। शुक्रिया। अब ये माइनक्राफ्ट ग्रास ब्लॉक की तरह लग रहा है। सीयू साइड पर डर्ट लगाना तो भूल ही गई। ओप्स, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। रुको, ठीक करने दो। वश, ये देखो, ये आ गए। अब रुको। वाह, शानदार। दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें। लगता है तुम अपने डरावने एक्सपीरियंस के बारे में भूल गए। सुजी, हम
हमारे प्लम्बर ने हमें मना कर दिया, अब हम क्या करेंगे? अपने आप को संभालो, इसे अच्छे से पकड़ो और घबराना बंद करो। मैंने तुम्हें कहा था मेरे पास प्लान बी है, पर पहले हमें फील्ड का लैंडस्केप डिजाइन पूरा करना होगा। मुझे तुम पर भरोसा है और मैंने इन ट्यूब्स पर मैग्नेट भी लगा दी है। बढ़िया, चलो हमारे वर्कर के करने के लिए थोड़ा मुश्किल काम बनाते हैं। सामी, तुमने अपनी बाग पर ही मशरूम्स उगाने शुरू कर दिए। मैंने अपने आप को नेचर को सौंपने का सोच लिया है, शायद मैं पहला स्लाइम टाउन शिफ्टर होऊंगा। वो शांत हो जाओ, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। चिंता मत करो, हम पहले ड्राफ्ट जरूर पूरा करेंगे। हेलो मारियो। दोस्तों, आपने हमारे गेस्ट को पहचान लिया था ना? मारियो हमेशा से ही सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से एक रहा है। आपके पेरेंट्स ने इसके बारे में आपको बताया ही होगा। कोई बात नहीं, हमारा वर्जन सबसे बेहतर है। इस मारियो के पैर के नीचे मैग्नेट है। हाँ, ये लेटेस्ट अपडेट है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैग्नेट मारियो की बोट पर घूमने और चीजें उठाने में मदद करेगा। पर उसके बिल के बिना उसकी क्या मजदूरी है? और बिल मेरा है, तुम कुछ नहीं कर। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था और हमारा माइनक्राफ्ट फील्ड पूरा हुआ। मारियो अब अपनी जगह पर है। तो क्या हम शुरू करें? बेशक मैंने हार्ट को खो दिया, पर मारियो तो मेरे कंट्रोल में है। रुको, वहाँ नहीं, हेल्थी भी डाबो, काफी फास्ट था। लगता है मारियो आपे से बाहर हो रहा है, अगली बार इसे आराम से चलाना। चलो दोस्तों, तुम कर सकते हो, बस कुछ स्टेप्स और। मारियो, हमने कर दिखाया, तुमने क्यूब उठा लिया, अब तुम बस हे वहाँ मत जाओ। मिस्टर, हे, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। बधाई हो सामी, तुमने पहला टास्क पूरा कर लिया। पर उसने पूरा गलत किया, हमें उसे इसके पैसे नहीं देने चाहिए। ठीक है, मैं बस मजाक कर रहा था, प्लीज मुझे छोड़ दो। सामी, मारियो लकड़ी काटने जा रहा था, तुम्हारी आंखों ने तुम्हें धोखा दे दिया। वापस आओ, अगर तुम नहीं आए तो मारियो तुम्हारा गिफ्ट मुझे दे देगा। पर अगर वो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मेरा पीछा करेगा तो मैं? ओह, ये तो फूल है, कितना अच्छा है, शुक्रिया दोस्त। दोस्तों, अगर आपने हमारे साथ ये क्राफ्ट नहीं बनाया है तो चलो देखते हैं कि आपने क्या मिस किया। लगता है मैं पूरा दिन ही काम करती रही। पहले वो जॉब असेसमेंट्स, फिर क्राफ्टिंग और उसके बाद। हाँ, सीओ, ये बहुत बढ़िया है सीजन, पर मुझे मेरे होमवर्क में भी तुम्हारी मदद चाहिए। ओह प्लीज, क्या तुम्हें आज ही करना है? हाँ ठीक है, और क्या है? फिर हम डिनर बनाएंगे, बर्तन धोएंगे और हाँ, तुम मेरे लिए थोड़ी कहानी भी तो पढ़ोगी। माफ करना दोस्तों, मुझे भागना होगा, ये दिन कभी खत्म नहीं होने वाला। मेरा पूरा नहीं हुआ, आप अभी भी यही है। सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। बाय।